आरामी बंदा है, मतलब मजाक की बंदा है यार, बड़ा एंटरटेनमेंट करता है बंदा। डॉक्टर इमिग्रेशन मतलब जाने से पहले आपको फॉर्म मिलेंगे वीज़ा ऑन अराइवल के, वो फॉर्म फिल करने हैं। यहाँ पे हर जगह लिखा ना वीज़ा ऑन अराइवल, किन कंट्रियों के लिए, ये देखो इन कंट्रियों के लिए थाईलैंड जो की है वीज़ा ऑन अराइवल देता है। अब कौन सी कंट्री किसकी है आप देख लेना, आपको पता चल। तो भाई थाईलैंड का वीज़ा मिल गया, रिसिप्ट वही 2000 की, 2000 बाट की लेते हैं, 2200 बाट। तीसरा आपके पास रिटर्न टिकट होनी जरूरी चाहिए। चौथा होटल बुकिंग भी कर लो तो अच्छी बात है, हमसे नहीं पूछा, बोर्डिंग टाइम में पूछा, इमिग्रेशन टाइम में नहीं पूछा। बैंदुक थाईलैंड। भाई फाइनली पूरे ग्रुप को बोर्डिंग मिल गई है, बोर्डिंग पास मिल गया है VFZ का, ये देखो जी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैं था पहला था, मेरे से पैसे नहीं पूछे, बाकी सभी से शोमनी पूछा नहीं, देखिए सभी कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट देखा है, जाने की फ्लाइट टिकट भी देखी है वापसी की कन्फर्म, तो सारे पास सभी के पास थी, सभी की बोर्डिंग एकदम क्लियर हो गई है। तो अभी जा रहे हैं आगे इमिग्रेशन में, मतलब एग्जिट, कंबोडिया से एग्जिट की स्टैंप लगनी है ना भाई, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन में क्या रहता है वो आपको और बताएंगे। भी हमारी हो गई इमिग्रेशन भी हो गई, इमिग्रेशन स्मूथ रही है, इमिग्रेशन में ज़्यादा सवाल नहीं है। आज के टाइम में मेरे को चल रहा है बोर्डिंग वाले ज़्यादा तंग करते हैं, अगर बोर्डिंग मिल जाती है समझ लो आप 70% आपको एंट्री भी मिल जाएगी। जो ऐसे नॉर्मल कंट्रियाँ हैं फंड वगैरह देखती है यार, कैश वगैरह देखती है इन साइड में, ज़्यादा कुछ नहीं है बड़ा। तो इमिग्रेशन में तो एक मेरे से तो क्वेश्चन नहीं हुआ, बाकी बंदों से भी ज़्यादा नहीं हुआ होगा, क्योंकि इमिग्रेशन स्मूथ ये भी आ गए हम ड्यूटी फ्री एरिया में। बाकी एक जो बात बता दी मैंने, दो बात मेन है कंबोडिया के लिए, एक तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बड़ा फास्ट, बहुत तेज़ी से जा रहा है यार, गाड़ियाँ ऐसी सी पूछो मत। और दूसरा इंडियन पासपोर्ट होल्डर विदाउट स्टिकर वीज़ा बाई लैंड कंबोडिया थाईलैंड मत जाना भाई, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए फ्लाइट टिकट कर लेना ठीक है। बाकी दारू की बोतलें देखो भाई, ये देखो भाई कितनी बड़ी लग रही है पता है, ये देखो मेरा हाथ कितना रह गया छोटा, कितनी बड़ी बोतल है, मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े डब्बे बोतलें पड़ी है यहाँ पे। अगर कोई शौकी है पीने का तो मैसेज कर दीजिए उनके लिए भाई, ड्यूटी फ्री वाली ले आएंगे, हैं ड्यूटी फ्री वाली अच्छी होती है बोलते हैं, थाईलैंड से लेनी है, कोई नहीं मैसेज कर देना ले आएंगे आपके लिए। बाकी यहाँ पे सामान सब कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, घड़ी वगैरह वॉचेस वगैरह सन ग्लासेस वगैरह भी मिलती है, गुच्ची बैफ हैं सब, अरमानी है सब तरह की घड़ियाँ वगैरह मिलती है, खाने पीने के लिए अंडे पंडे भी रख रखे अंदर। और चलो अपने तो लेना नहीं है, निकलते हैं यहाँ से अब आगे गेट पे जाते हैं, बोर्डिंग गेट पे। भाई हैंकिन जो बियर और एल्कोहल आता है ना उसका वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है, देखो बोतलों का इंडिया कहाँ पे है, देखो ये देखो भाई इंडिया इधर लग रहा है मेरे को। तो जो पीने का दारू पीने का शौकी है उसको तो वर्ल्ड मैप दिख रहा है, देखो मतलब पूरी दुनिया में हैंकिन जो हैंकिन बियर है वो चलती है भाई, अच्छे अच्छे खासी रेट पे चलती है, तगड़ी वाली कैशियो की वो चाह गई भाई। बोर्डिंग हो चुकी है, अभी जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। एक बात तो आप बता दूँ, दो फ्लाइट इकट्ठी जा रही है यार थाईलैंड को बैंकॉक के लिए, ये थाई एयरवेज और एक VFZ। थाई एयरवेज वाले उस साइड में जा रहे हैं, जैसे ये जा रही है अभी थाई एयरवेज में, और हम इस लाइन वाले जा रहे हैं VFZ में, जिसको जो सस्ती मिली वो बैंक वाले है ना। बाकी अभी जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे दिए भाई, इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, लाइव मिलता है यार उधर, थोड़ा सा यूट्यूब में डिले चल रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम कम होता है, एडिटिंग करना थोड़ा सा हार्ड रहता है इसीलिए। अभी आगे क्राउड वर्क है पूरा लाइट के अंदर भाई, Airport donation box. Protect our mother Earth. Fly green with VFJet. Thank you. All time.
चाय आ गई चाय। ठीक है ना, चाय आ गई चाय। जोर दी बोलो, जोर दी बोलो ना। भाई फ्लाइट में बैठे हैं रवि, रिपन जी बैठे हैं साथ में, साथ में बैठा लखविंदर और यहाँ पे चाह पे रस है, चाह पे रस आगे इधर देखो भाई बैठे अपने बैठे हैं, बाकी पीछे लोग सो रहे हैं, ऊपर साहब भी सो रहे हैं। देखो भाई नज़ारा आ रहा है पूरा एकदम फुली फ्लाजा फ्लाइट के अंदर बैठे एकदम बढ़िया वाला नज़ारा आ रहा है नारा। वियतनाम वियतनाम नहीं जा रहे, थाईलैंड जा रहे भाई, थाईलैंड तो भाई थाईलैंड भाई जर्नी आ गई, थाईलैंड पहुँच गए हैं। थैंक यू सो मच खापन खा कर दे भाई। तो बढ़िया है भाई, सब बहुत ही कोऑपरेट लोग होते हैं, बड़े आराम से आए हैं। ये फर्स्ट टाइम वियत जेट के साथ आए हैं, अच्छा लगा। वियत जेट वाले जो स्टाफ है ना वो कोऑपरेटिव हंसमुख है, क्योंकि ऐसी बात नहीं यहाँ पे जो ईस्ट एशियन साइड में जो भी कंट्री है ना यहाँ पे लोग वाकई में बहुत हंसमुख होते हैं यार। अभी जा रहे हैं थाईलैंड, वेलकम टू थाईलैंड गाइस। नज़ारा ले लियो बाबा, डॉक्टरा डॉक्टर ये बंदा ना देख लो कह जाऊंगा मुझे ही है, समझ गए ना, बड़ा आरामी बंदा है, मतलब मजाकी बंदा यार, बड़ा एंटरटेनमेंट करता है बंदा। डॉक्टर 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 बहुत बढ़िया बंदा वो हाथ जोड़ता देख लो है। तो भाई यार मज़ा पूरा आ रहा है, खत्म नहीं जा रहा, पीछे अपनी जनता आ रही है आगे अपनी जनता, मज़ा पूरा। आप इमिग्रेशन मतलब जाने से पहले आपको फॉर्म मिलेंगे वीज़ा ऑन अराइवल के, वो फॉर्म फिल करने हैं। यहाँ पे हर जगह लिखा ना वीज़ा ऑन अराइवल, किन कंट्रियों के लिए है? ये देखो इन कंट्रियों के लिए थाईलैंड जो की है वीज़ा ऑन अराइवल देता है। अब कौन सी कंट्री किसकी है आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, इन कंट्रियों को ही थाईलैंड अभी तक वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, और हर जगह आपको ये मिलेंगे डेस्क मिलेंगे जहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करोगे, फ़ोटो लगाओगे, उसके बाद में आपको वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री। ठीक है, देख लो मैं आपका नाम बता देता हूँ, चाइना, इंडिया, भूटान, कजाकिस्तान, नेहरू, विनातू, रोमानिया, ताइवान, बुल्गारिया, उज्बेकिस्तान, न्यू पापुआ पता नहीं कौन सा, जॉर्जिया हो गया, साइप्रस हो गया, माल्टा, इथोपिया हो गया, रिपब्लिक ऑफ फिजी हो गया, मेक्सिको हो गया, इन कंट्रियों को ही ये वीज़ा ऑन अराइवल देता है। फॉर्म कैसे फिल करना है अगर आप नए हो तो नहीं पता लगता, तो यहाँ पे फॉर्म फिल किया हुआ है सारा वो भी पता चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर, सारा ये है। ठीक है ना, ऐसे करके आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, कर लोगे आप वीज़ा। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल के फॉर्म फिल करके फ़ोटो लगा के फिर आगे लेके जाके फीस जमा कर दी, इतना सा काम है भाई। तो भाई थाईलैंड का वीज़ा मिल गया, रिसिप्ट वही 2000 की, 2000 बाट की लेते हैं, 2200 बाट। अब क्या बताएं यार, धक्का है, चलाते हैं लोगों की कंट्री है ना, और वीज़ा अपने को मिल गया भाई थाईलैंड का। ये देखो स्टिकर वीज़ा, स्टैंप वीज़ा दे दिया। चलो कोई बात नहीं, जो भी है अब वीज़ा तो हो गया, निकलते हैं इमिग्रेशन साइड में, क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना वहाँ पे, तो निकलते हैं अभी, बाकी पता लग ही जाएगा आपको। इमिग्रेशन में जा रहे हैं, थाईलैंड के एयरपोर्ट पे काम चल रहा है अभी यार, सामने इमिग्रेशन है एकदम अपने, एकदम जमा सामने, बाकी पीछे अपनी जनता आ रही है। तो फाइनली दोस्तों सभी की इमिग्रेशन हो चुकी है, कल ही है कंट्री नंबर 6 की, और सभी बाहर आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दो कंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम रही थी, वो आप पीछे वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी ट्रैवल में हेडेक तो आपको पता है, हर कोई भी कंट्री हो रहती रहती है। अभी थाईलैंड में इंटर हो चुके हैं और 3 अगस्त को यहाँ से वापस निकलेंगे इंडिया के लिए, तो एवरीथिंग इज़ बुक। क्योंकि जब आपका टूर एक जगह से लेकर सारा परी बुक होता है ना, उसमें एक रिस्क भी रहती है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, और इसमें एक सेफ्टी भी होती है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी दो कंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो चलती रहती है यार, ऐसे तो ट्रैवल का पार्ट है, तो ऐसे होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आगे निकल रहे हैं, इमिग्रेशन पे थाईलैंड का कुछ नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, कैश चाहिए 500 USD हो, या मतलब उनका लिखा है एक बंदे के लिए 10,000 था ही बाट, मतलब लगा लो 25,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, हमारे पास USD थे। दूसरा आपके पास कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तीसरा आपके पास रिटर्न टिकट होनी जरूरी चाहिए, चौथा होटल बुकिंग भी कर लो तो अच्छी बात है, हमसे नहीं पूछा, बोर्डिंग टाइम में पूछा, इमिग्रेशन टाइम में नहीं पूछा। आप ये 4-5 डॉक्यूमेंट ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, थाईलैंड ऑन अराइवल वीज़ा है। फीस आप कैश में लेके आना, थाई बाट में 2200 लेंगे, 2000 है उनकी, करप्शन लगा लो जो मर्जी कह लो। सभी ने अपनी वीडियो बनाई हुई, बहुत सारे ट्रैवलर आए हैं थाईलैंड में, उनका भी देखा ही होगा ना, तो ऐसा चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम जा रहे हैं आगे
यहाँ से लेके टैक्सी लेके होटल पे। बंदूक 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 थाईलैंड बंदूक थाईलैंड। सवारी आ गई बंदूक थाईलैंड दी, बंदूक च आ गए हैं, बैंकॉक च आ गए हैं। तो यहाँ से भी टैक्सी करेंगे फिर जाएंगे यार, सभी बाहर आ जाए एक बार। अरे तो भाई बैंकॉक में पहुंच गए हैं, बैंकॉक की रोड से जा रहे हैं कहाँ पे, होटल पे, स्लीप विथ मी बैंकॉक होटल, वहाँ पे जा रहे हैं भाई और अपने भाई के साथ। ड्राइवर का नाम, व्हाट इज योर नेम? आई एम चेत। चेत, यस। चेत के साथ जा रहे हैं, चेत वैसाख के आगे वैसाखी बनाएंगे, ठीक है भाई। चलो चलते आगे भाई, बैंकॉक, बैंकॉक की रोड पे जा रहे हैं भाई। गपा गप, सॉरी खापन खा भाई, इसका मतलब आप समझ लो क्या है। भाई लोग बैंकॉक में एंट्री मारी और मारते ही बरसात जोरों से, बोल रहे हैं भी यहाँ पे ठंडे हो गया ना, गर्मी में यहाँ पे फायदा नहीं है, मतलब गर्म खून आपको खराब कर सकता है, ठंडा खून ठीक रहता है इधर, ठीक है। तो जो भी जिसका खून गर्म है बैंकॉक में आए और अपना खून ठंडा करवा के जाए, मसाज बहुत तरीके की होती है इधर भाई। देखो भाई स्वागत में हमारे बरसात मिली है भाई, ये देखो मोटरसाइकिल वाला डिलीवरी बॉय भी, ये इधर देखो टैक्सियां।